तीसरे चरण के चुनाव परिणाम की और एग्जिट पोल में क्या कुछ निकलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से चार दिन पहले हम आपको बता रहे हैं झारखंड के दूसरे चरण का चुनाव परिणाम। हमारे सर्वे का आधार सैंपल वोटर्स की राय, इलाके पर पैनी नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकार और एनालिस्ट की रिपोर्ट और जाति समीकरणों की सटीक गणना करने वाले एक्सपर्ट के निष्कर्ष पर आधारित है। दूसरे फेज में झारखंड में लोकसभा की चार सीटों पर चुनाव हुआ था। झारखंड के दूसरे चरण की बात करें तो कोडरमा सीट पर अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी और राजकुमार यादव के बीच मुख्य मुकाबला था। वहीं रांची में संजय सेठ, सुबोध कांत सहाय और राम टहल चौधरी चुनावी मैदान में थे। खूंटी में अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच मुकाबला रहा। हजारीबाग की बात करें तो जयंत सिन्हा और गोपाल साहू के बीच चुनावी लड़ाई रही। झारखंड के दूसरे चरण की चारों सीटों पर 2014 के परिणाम की बात करें तो दूसरे चरण के रिजल्ट में 2014 में बीजेपी को चार सीटें मिली थी, यानी चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई और महागठबंधन का खाता भी 2014 में नहीं खुला था। 2019 के महासमर में झारखंड की इन चारों सीटों पर कई मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाए गए। दूसरे चरण के सीटों पर अगर मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी प्रमुख था, इसके अलावा पानी की समस्या और नक्सलवाद के मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा गया। मुद्दे तो देखा जाए तो चूंकि कंपटीशन था ही नहीं, बिल्कुल एक तरफा मामला दिख रहा था शुरू से ही, इसलिए मुद्दे ज़्यादा उछले नहीं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की जो बातें थी, पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक और गरीबी हटाओ, राष्ट्रवाद, जी राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी रहा और वो फायदा पहुंचा गया भाजपा को। लोग यह नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरह मतदाता मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता में मोदी के नाम पर जो लहर है उसमें उसको जीत दिला रहा है, मुद्दा सब गौन हो गया है यहाँ पर। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के संभावित परिणाम की अगर बात करें तो चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। जहाँ तक मैंने रुझान देखा वो सीधा न जात पात पर था, न कोई विकास के मुद्दे पर था, वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा था। मैं जिधर भी जा रहा हूँ, जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, जिस गांव में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं यही देखा कि बस मोदी को देना है वोट, मोदी को देना है वोट। तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है, तो उसकी मर्जी है। वोट जो है सो गुप्त मतदान है, लेकिन जो रुझान मैंने देखा वो सीधा एकदम मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा था। झारखंड में भी स्थिति भाजपा के पक्ष में ही है, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन ने जो कुछ किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा और भाजपा यहाँ पर बहुत फायदे की स्थिति में मतलब है। सीट मतलब बोले तो कितने 14 लोकसभा सीट में से कितने एनडीए और यूपी में आएंगे? भाजपा के सीट बहुत कम भी होगा तो 10 से कम रहने वाला नहीं है। जी बिहार झारखंड के सबसे सटीक सर्वे के मुताबिक इस बार दूसरे चरण की चारों सीटों का संभावित परिणाम कुछ यूं रह सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं दूसरे चरण का एग्जिट पोल क्या है। तो दूसरे चरण में एनडीए का पलड़ा भारी है, यहां बीजेपी 3 सीटों पर जबकि गठबंधन 1 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण में 4 सीटों पर चुनाव हुआ था। हम लगातार बता रहे थे कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग की बात। इस वक्त एक बड़ी खबर यहां मिल रही है। आज तक एक्सिस के मुताबिक झारखंड में महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 12 से 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आज तक की माने तो यहां पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है और एक बार फिर से महागठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आज तक एक्सिस का यह सर्वे है जिसमें झारखंड में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है, यानी कि पिछली बार का जो रिजल्ट है वो फिर से दोहराया जा सकता है। 12 सीटें या फिर 14 सीटें भी बीजेपी जीत सकती है, यह आज तक का सर्वे। लेकिन हमारा जो सर्वे कहता है, हमारा सर्वे कहता है